गुड इवनिंग। तो हम लोग आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पोर्टल वेन। ठीक, पोर्टल वेन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है पोर्टो केवल एनास्टमोसिस। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसका जो अप्लाइड पार्ट के क्वेश्चन होते हैं वो समझ लो दर इम्पॉर्टेंट है। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं पोर्टल वेन के बारे में। सबसे पहले पोर्टल वेन क्या होती है? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट वीनस चैनल। क्या होती है? वीनस चैनल। अच्छा, इट कलेक्ट ब्लड फ्रॉम, और ये ब्लड को कलेक्ट करती है चार इम्पॉर्टेंट जगहों से: एब्डोमिनल एंड पेल्विक पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, स्प्लीन। ठीक, सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट वीनस चैनल विच कलेक्ट ब्लड फ्रॉम एब्डोमिनल एंड पेल्विक पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज और स्प्लीन। ठीक, अब इस वेन के इंपॉर्टेंट फीचर्स समझ लेते हैं। सबसे पहले 80% ब्लड जो लीवर में जा रहा है वो इसी वेन से होकर जाता है। सो प्रोवाइड 80% ब्लड दैट फ्लोस थ्रू लीवर। देखें, समझें, ये एक वेन है। वेन का काम होता है एक ऑर्गन से ब्लड को बाहर ले जाना, लेकिन ये हिपैटिक, सॉरी, ये जो पोर्टल वेन होती है ये लीवर तक खून लेके जाती है। एक आर्टरी की तरह काम करती है, लीवर तक खून ले जाती है, उसके साइनोसॉइड्स में लीवर के खून डाल देती है, फिर वहां से खून हिपैटिक वेन्स लेके इन्फीरियर वेना कैवा में मर्ज हो जाती है। ठीक, चलो नेक्स्ट। जो इसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं और ब्रांचेस होती हैं, हम लोग समझेंगे इसकी फॉर्मेशन, ट्रिब्यूटरीज और ब्रांचेस, उसमें कम से कम 1/3 ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड, जो हम लोग की पूरी बॉडी में ब्लड होता है 5 लीटर, सपोज 5 लीटर नहीं, सपोज 6 लीटर हम लोग की बॉडी में ब्लड है, तो उसका 1/3 मतलब 2 लीटर ब्लड जो होता है वो अकेले सिर्फ पोर्टल वेन और उसकी ट्रिब्यूटरीज लेके घूम रही होती हैं हम लोग के खून में, सर्कुलेशन में। ठीक, एंड दीज वेन्स आर डिवॉइड ऑफ वॉल्व्स। चीजें, ये तो याद करने वाला पॉइंट हो गया कि दे आर डिवॉइड ऑफ वॉल्व्स। अच्छा, इसके फंक्शन क्या होते हैं? सो इट ट्रांसपोर्ट वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम स्प्लीन टू लीवर। हम लोग अभी इसकी फॉर्मेशन देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये स्प्लीनिक आर्टरी में जब सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, सॉरी, जब स्प्लीनिक वेन में सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन आके मर्ज होती है तो बनती है पोर्टल वेन, और फिर वो फाइनली जाती है, ड्रेन करती है लीवर में। तो स्प्लीन से आने वाली जो बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जैसे कि आरबीसी वगैरह, और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन जो कि इंटेस्टाइन से आ रही है उसे क्या है, तो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन में क्या होगा, डाइजेशन के प्रोडक्ट, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन सब के प्रोडक्ट्स। तो ये सब प्रोडक्ट्स जो होते हैं डाइजेशन के आने वाले, जो कि सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन से आ रहे हैं और स्प्लीनिक वेन से आ रहे हैं, आरबीसी वगैरह, ये सब लीवर तक पहुंचाती है। सो इट ट्रांसपोर्ट वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम स्प्लीन टू लीवर। इट डिवाइड्स इंटू ब्रांचेस। ठीक, अब देखो ये कुछ ब्रांचेस में डिवाइड करती हैं, विच लाइक दोज ऑफ हिपैटिक आर्टरी, जो कि हिपैटिक आर्टरीज की तरह ही डिवाइड होती है। डिस्चार्ज देयर ब्लड इंटू साइनोसॉइड्स ऑफ लीवर विच आर ड्रेन्ड बाई हिपैटिक वेन्स इंटू द इन्फीरियर वेना केवा। और फाइनली मतलब यही, ये लाइन बस यही कह रही है कि ये खून लेके आती हैं जैसे कि आर्टरी लेके आती है, हिपैटिक आर्टरी। ठीक, और ड्रेन करती है खून को साइनोसॉइड्स ऑफ लीवर में, और फिर वहां से क्या होता है, वहां से भैया हिपैटिक वेन्स उनको उस ब्लड को ड्रेन करके ले जाती है इन्फीरियर वेना केवा में। ठीक, अभी हम लोग इसकी फॉर्मेशन कोर्स पढ़ेंगे तो हम लोग सब कुछ याद हो जाएगा। आइए हम लोग इसकी पढ़ते हैं फॉर्मेशन। ठीक, देखो भैया बहुत आराम से समझना। ये मान लो स्प्लीन है सपोज, ठीक, सपोज यहां से आई क्या स्प्लीनिक वेन। कौन सी वेन आई? स्प्लीनिक वेन। ठीक, स्प्लीनिक वेन में ही ड्रेन करती है इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन। कौन ड्रेन करता है? इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन। खैर, ये तो बस ड्रेन ड्रेन करती है, इसको छोड़ दो। अब इस स्प्लीनिक वेन में आती है इंटेस्टाइन से एक वेन, इसे बोलते हैं सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। इसे क्या बोलते हैं? सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। ये अपने ब्लड को ड्रेन करी स्प्लीनिक वेन में, और यहां से ओरिजिनेशन हुआ किसका? हिपैटिक वेन का। अब ये जो वेन बनी इसे हम लोग क्या बोलेंगे? हिपैटिक वेन। ठीक है, तो इन दोनों वेन्स के मिलने से ये जो वेन बनी इसे हम लोग क्या बोलेंगे? हिपैटिक वेन। ठीक, अब हिपैटिक वेन क्या होती है? ये फाइनली इसकी दो टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं। एक जाती है लेफ्ट लोब ऑफ लीवर में और एक जाती है राइट लोब ऑफ लीवर में। जो ब्रांच लेफ्ट लोब ऑफ लीवर में जाती है वो थोड़ी सी लॉन्गर होती है और नैरो होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है, थोड़ी सी नैरो होती है। और जो ब्रांच राइट लोब ऑफ लीवर में जाती है थोड़ी सी थिक होती है, मतलब थोड़ी सी वाइड होगी और थोड़ी सी शॉर्टर होगी। ये जाएगी लेफ्ट लोब ऑफ लीवर में, ये जाएगी राइट लोब ऑफ लीवर में। ठीक, फिर ये जाके फाइनली क्या करेंगे, लीवर के जो साइनोसॉइड्स होते हैं उनमें ब्लड को ड्रेन कर देती हैं, और फिर यहां से क्या होता है,
हिपैटिक वेन्स इन ब्लड को लेके जाती हैं कहाँ पे, इन्फीरियर वेना केवा के अंदर ड्रेन कर देती हैं। ठीक, अच्छा तो थोड़ी बहुत लेबलिंग कर लेते हैं। तो ये क्या हो गई स्प्लीनिक वेन, ये क्या हो गई सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, ये क्या हो गई हमारी पोर्टल वेन, ये हो गई लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन, ये हो गई हमारी राइट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन, ये हो गई हमारी हिपैटिक वेन्स। ये दोनों क्या है हिपैटिक वेन्स, हिपैटिक वेन्स, और इन्होंने ड्रेन किया किसमें, इन्फीरियर वेना केवा में। और ये क्या है, ये है साइनोसॉइड्स ऑफ लीवर। ठीक, अच्छा अब ब्रांचेस पढ़ लेते हैं हम लोग, ट्रिब्यूटरीज पढ़ लेते हैं किसकी, इस पोर्टल वेन की। तो इस पोर्टल वेन की ट्रिब्यूटरीज आपको याद रखनी है। सबसे पहली ट्रिब्यूटरी होती है, हम लोग इसे बोलते हैं राइट गैस्ट्रिक वेन। क्या बोलते हैं, राइट गैस्ट्रिक वेन। ठीक, और ऐसे घूम के आई एस, ये है लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। ये क्या है, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, इसकी पहली ट्रिब्यूटरी। ये है राइट गैस्ट्रिक वेन, इसकी दूसरी ट्रिब्यूटरी। हमने दो ट्रिब्यूटरीज पढ़ ली। तीसरी ट्रिब्यूटरी होती है, इसे बोलते हैं सुपीरियर पैनक्रियाटो ड्यूडेनल वेन। क्या बोलते हैं, सुपीरियर पैनक्रियाटो ड्यूडेनल वेन, ये हो गई इसकी तीसरी ट्रिब्यूटरी। ठीक, हमने तीन ट्रिब्यूटरी पढ़ ली, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, राइट गैस्ट्रिक वेन, सुपीरियर पैनक्रियाटो ड्यूडनल वेन। पैनक्रियाज और ड्यूडनम के ऊपर होती है, इसीलिए सुपीरियर पैनक्रियाटो ड्यूडनल वेन। तीन ब्रांच है। अब लेफ्ट जो वो होता है लोब, ठीक है, लेफ्ट लोब, उससे हमारी निकलती है अम्बिलिकल वेन्स, पैरा अम्बिलिकल वेन्स, सॉरी पैरा अम्बिलिकल वेन्स। तो जो लेफ्ट ब्रांच है, लेफ्ट ब्रांच जो कि लेफ्ट लोब ऑफ लीवर में जा रही है, इससे निकलती है हमारी पैरा अम्बिलिकल वेन्स। और जो राइट ब्रांच है जो कि राइट लोब ऑफ लीवर में जा रही है, उससे एक ब्रांच निकलती है, इसे हम लोग बोलते हैं सिस्टिक वेन, जो कि गॉल बैलर से गॉल बैलर से खून को ड्रेन करती है। खत्म हो गई इसकी ब्रांचेस, इसकी ट्रिब्यूटरीज खत्म हो गई। ट्रिब्यूटरीज में है राइट गैस्ट्रिक वेन, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, सुपीरियर पैनक्रियाटो ड्यूडनल वेन, लेफ्ट ब्रांच से निकलती है पैरा अम्बिलिकल वेन, और राइट ब्रांच से निकलती है हमारी सिस्टिक वेन। कई कई बार क्या हुआ है कि जो पोर्टल वेन है, इसकी ट्रिब्यूटरीज के अंदर सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन और इन्फीरियर और ये स्प्लीनिक वेन को भी इसकी ही ट्रिब्यूटरी माना जाता है। और हम लोग ऐसी ट्रिब्यूटरीज जो कि किसी वेन की फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, हम लोग इन्हें बोलते हैं फॉर्मेटिव ट्रिब्यूटरी। सो स्प्लीनिक वेन एंड सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन आर द फॉर्मेटिव ट्रिब्यूटरीज ऑफ पोर्टल वेन। ठीक है, तो ट्रिब्यूटरीज के नाम कहीं जगह नोट कर लेते हैं। टोटल सबसे पहली ट्रिब्यूटरी हो गई हमारी राइट गैस्ट्रिक वेन, सेकेंड हो गई लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, थर्ड हो गई सुपीरियर पैनक्रियाटो ड्यूडेनल वेन, चौथी हमारी हो गई है जो कि लेफ्ट से निकल रही थी, लेफ्ट ब्रांच से, पैरा अम्बिलिकल वेन, फिफ्थ राइट से निकल रही थी हमारी सिस्टिक वेन, और दो फॉर्मेटिव ट्रिब्यूटरीज सिक्स और सेवन, स्प्लीनिक वेन और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। सो ये था हमारा क्या पोर्टल वेन का लेखा जोखा। अब पोर्टल वेन के जो रिलेशन वगैरह वो सब हमारे काम के बिल्कुल भी नहीं है, इसके बाद काम आता है पोर्टो केवल एनास्टमोसिस। हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो इसकी ये जो ब्रांचेस हैं, ठीक, ये कैसे कैसे एनास्टमोसिस करती हैं। देखो पोर्टो का मतलब क्या है, पोर्टल वेन, केवल का मतलब क्या होता है, केवल का मतलब होता है सिस्टमिक वेन्स ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी के सिस्टम की जो बाकी वेन्स होती हैं उनके साथ इनकी एनास्टमोसिस होती है। और जब उन एनास्टमोसिस में कोई दिक्कत होती है या फिर इस पोर्टल वेन में कोई ब्लॉकेज होता है, उसके से जो बाकी की सिस्टमिक वेन्स होती हैं वो डायलेट कर जाती हैं, उनकी वजह से बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बीमारियां होती हैं, जैसे ईसोफेजियल वेराइसिस, खून की उल्टी होना, ठीक, हीमोरॉइड्स। तो इनके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट में, आप पहले पोर्टल वेन को अच्छे से समझ लें। ओके बाय।